खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना क्षेत्र से 5 माह की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला 2 माह पुराना है, लेकिन पीड़िता थाने के चक्कर काट कर हार गई है। वहीं आपको बता दें, क्या राजसमंद एसपी सुधीर चौधरी के चौखट पर इंसाफ के लिए पहुंची और एसपी ने पूरे मामले पर पीड़िता को आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच कर मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता ने बताया कि वह खेत पर मवेशी चराने गई थी, उसी दौरान 2 युवक जिसका नाम लक्ष्मण और केश है, उन्होंने खींचकर उसे पेड़ के नीचे ले जाकर जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया और वह बेहोश हो गई, उसके मुंह में मिट्टी भी डाली। इस घटना के बाद वह कुवारिया थाना पहुंची जहां मामला दर्ज कराया, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़िता के पिता ने भी कुवारिया थाना पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया। वहीं दोनों ही युवकों द्वारा लगता है कि पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। वहीं पीड़िता आज एसपी के सामने पेश हुई, जिसके बाद एसपी ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी को जल्द मामले की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। राजसमंद से सुनील जैन की रिपोर्ट। तो खेत पे गई थी, वापस आ रही खेत को भैंस लेके, तो दो आदमी मेरे को, दोनों लड़कों ने मेरे को खेत में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया और मैं बेहोश हो गई थी। मैं गर्भवती महिला हूँ। उस वक्त में 2 माह पूर्व मेरे 5 महीने का गर्भ था और अभी मेरे 7 महीने का गर्भ है और पुलिस में हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सुनवाई भी नहीं कर रही है। हमारे परिवार और हम वापिस आते हैं यहाँ पे पुलिस थाने में और वापिस जाते, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है हमारी। आज हम IPS ऑफिस में आए हैं, इसलिए हमारी कोई कार्रवाई नहीं है, हमको न्याय चाहिए। क्या हुआ था बच्चे का? बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था। घटना खेत से भैंस लेकर आ रही थी, रोड से नीचे उतरी पादरी, मतलब रस्ते में आ रही थी, भैंस उधर चली गई खेत में, तो उसको लेने गई, तो 2 आदमियों ने मतलब बलात्कार किया। एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम मुकेश। मुकेश है उल्लेगा और लक्ष्मण है गीड़िया का। कौन से थाने में मामला है? ये था कुंवरिया थाने में मामला है। एसपी साहब कहा मेरे को कि तुम जाओ और बार बार भटकना नहीं, मैं इसकी कार्रवाई में कर करना उसे मैं करूँगा। देखिए, कल इन्होंने मुझे एक परिवाद पेश किया है। परिवाद पेश होते ही मैंने फाइल को कॉल कर लिया है, फाइल को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और इन्होंने जो बिंदु दिए हैं अनुसंधान के लिए, उन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाएगा। निष्पक्ष और त्वरित अनुसंधान के निर्देश इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिए गए हैं। इसके लिए हमने SHO को पाबंद करने के लिए निर्देश दे दिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि जो अनुसंधान है ये तुरंत कंप्लीट हो।